ये बच्चियों का एक ग्रुप है जो बुर्का पोश जो हिजाब लगाई हुई है, किस तरह से देखिए ये बांह खींची जा रही है, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, चोट भी लग सकती है। ये देखिए दो पुलिसकर्मी किस तरह से इस लड़की को खींच करके घसीटते हुए जो है वो लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी आप देख सकते हैं कि किस तरह से छात्रों को, ये छात्रों का ये ग्रुप पहुंचा है, इन छात्रों को किस तरह से पुलिस बर्बरता के साथ इनको हिरासत में लेने की कोशिश कर रही है, झड़प तक यहां पर देखने में आती है। आप देख सकते हैं कि है जंतर मंतर पारा, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो एक कॉल की गई थी कुछ ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए, हालांकि कोई नाम उस पर नहीं लिखा हुआ था, लेकिन फिलिस्तीन के साथ खड़े होने और इसराइल के ख़िलाफ़, इसराइल जो आतंक मचाया हुआ है उसके ख़िलाफ़ दिल्ली में आज जुम्मे के दिन 3 बजे जंतर मंतर पर एक कॉल की गई थी प्रोटेस्ट करने की। लेकिन जो भी यहाँ पर प्रोटेस्टर्स पहुँच रहे हैं, दो दो चार चार या 10 के ग्रुप में, जिसमें सब महिलाएँ और बुज़ुर्ग जितने भी लोग हैं सबको जो है हिरासत में ले जाकर जो है वो थाने पहुंचाया जा रहा है। इस तरह की बसें आप देख सकते हैं, इस तरह की बसें यहां पर लगाई हुई हैं, 8-10 लोगों को एक बस में बिठाया जाता है और उसके बाद यहां से रवाना कर दिया जाता है। इलाके की जो लोकल पुलिस है वो दिल्ली पुलिस के अधिकारी IPS अधिकारी तक यहाँ पर इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। इसके साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेज भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में उनको भी लगाया गया है। यानी जंतर मंतर जो जगह प्रोटेस्ट के लिए खास है, यहाँ पर देश में कोई भी अगर प्रोटेस्ट होता है, खासतौर से जब पार्लियामेंट चल रही होती है, तो इस जगह पर प्रोटेस्ट के लिए लोकल थाने से, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से इजाज़त लेने के बाद यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जाता है। लेकिन इस प्रोटेस्ट की इजाज़त लेने की कोशिश की गई, इजाज़त नहीं मिली। अभी तक दिल्ली में जितनी भी कोशिशें की गई हैं प्रोटेस्ट करने की फिलिस्तीन के मसले को लेकर, चाहे वो कुछ छात्रों का प्रोटेस्ट कॉल हो या लेफ़्ट की कुछ तंजीमों के ज़रिए हो, तमाम लोगों को जो है कुचलने की कोशिश की गई, प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया। हर बार बिल्कुल इसी तरह की रणनीति अपनाई गई, जिस तरह से आज यहाँ पर लगातार आप देख रहे हैं कि लोगों को हिरासत में ले जा करके यहाँ से थाने में पहुँचाया जा रहा है। पहुँच रहे हैं लोग, लेकिन बहुत ही कम संख्या में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहुँचे हैं, और जो भी कोशिश कर रहा है यहाँ पर कुछ प्रोटेस्ट करने की, इस रास्ते पर ही लोगों को रोक लिया जा रहा है। इस बैरिकेड जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इस बैरिकेड के बाद वो जगह है जहाँ पर प्रोटेस्ट होता है, लेकिन उस बैरिकेड से भी काफ़ी पहले, 10 मीटर पहले एक और बैरिकेड लगा दिया गया है, और किसी को भी कोई परमिशन, कोई इजाज़त नहीं दी जा रही है। कोई कोशिश भी कर रहा है प्रोटेस्ट करने की, नारे लगाने की, हाथ में जो बैनर और झंडे लेकर के आ रहे हैं उनको भी पुलिस के ज़रिए छीना जा रहा है। तो जाहिर सी बात है ये सवाल खड़ा हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या सरकार, जिस तरह से ये कह रही है कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, फ्री फिलिस्तीन की हम वकालत करते हैं, और भारी मात्रा में यहाँ से मदद भी पहुँचाई गई है, काफ़ी सामान यहाँ से फिलिस्तीन भेजा गया है, लेकिन उसके बावजूद अगर लोग, आम जनता, आम नागरिक अगर वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, वो अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं इसराइल के इस आतंक के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो उस आवाज़ को भी नहीं उठाने दिया जा रहा है। लोकतंत्र में प्रोटेस्ट और विरोध एक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मोदी सरकार ने इस संवैधानिक अधिकार को भी कुचल कर रख दिया है। अब सवाल ये खड़ा होता है, जब पूरे देश में जगह जगह पर इस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ख़ासतौर से आपने देखा होगा पिछले हफ्ते महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट हुआ, राजस्थान में प्रोटेस्ट हुआ, पंजाब में प्रोटेस्ट हुआ, कल भी आपने देखा होगा कि बेंगलोर में और केरला में एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन जहाँ जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश केंद्र शासित सरकार है, और उत्तर प्रदेश जो है वो ख़ास तौर से दिल्ली जो केंद्र शासित सरकार है, और उस उत्तर प्रदेश जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन जगहों पर ख़ास तौर से इजाज़त नहीं दी जा रही। उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि किस तरह से अगर किसी ने पोस्ट भी लगाई तो फिर उसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया। अब आप देख सकते हैं कि पुलिस ने कोई ग्रुप आता हुआ देखा है जो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने पहुँच रहा है, तो पुलिस एक्टिव हो गई है, और काफ़ी संख्या में ये लोग हैं जो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने पहुँचे हैं। पुलिस देखिए, आप देख सकते हैं किस तरह से
इनको रास्ते में ही जो है डिटेन करने के लिए भगदड़ लगा रही है। देख सकते हैं आप हाथों में बैनर लेकर के ये 25-30 लोगों का एक ग्रुप आया है और इनको दूर से देखते ही बस को भी मूव कर दिया गया, पुलिस भी मूव हो गई है और पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। इसी तरह ये पूरी रणनीति अपनाई जा रही है। हालांकि आप देख सकते हैं कि 40 से 50 लोग हैं जो यहां पर पहुंचे हैं और प्रोटेस्ट यहां पर किया जा रहा है, प्रोटेस्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस इस पूरे प्रोटेस्ट को लगातार दबा रही है। आप देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से छात्रों को, ये छात्रों का ये ग्रुप पहुंचा है, इन छात्रों को किस तरह से पुलिस बर्बरता के साथ इनको हिरासत में लेने की कोशिश कर रही है। झड़प तक यहाँ पर देखने में आती है, कई बार एक दो हाथ लगाते हुए भी पुलिसकर्मी दिखाई देते हैं। ये बच्चियों का एक ग्रुप है जो बुर्का पोश, जो हिजाब लगाई हुई है, किस तरह से देखिए ये बांह खींची जा रही है, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, चोट भी लग सकती है। ये देखिए दो पुलिसकर्मी किस तरह से इस लड़की को खींच करके घसीटते हुए जो है वो लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चियां बचने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन लगातार इन महिला पुलिसकर्मियों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से ज़मीन पर गिरा दिया गया, किस तरह से बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं। पूरी देख सकते हैं झड़प, दो महिला पुलिसकर्मी हैं, अभी एक और यहां पर पहुंच गई है और झड़प यहां पर लगातार देख सकते हैं। 4-5 महिला पुलिसकर्मी हैं जो किस तरीके से बर्बरता के साथ देख सकते हैं सबको डिटेन किया जा रहा है। सुरक्षा बल और दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर किस तरह से बर्बरता के साथ सबको बसों में डाला जा रहा है, बसों में लेकर जाया जा रहा है। परमिशन जो है इसको लेकर अभी नहीं दी गई थी और उसके कारण